मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। माय डियर चिल्ड्रन, लेट अस लिसन टू द स्टोरी द किंग एंड हिज थ्री डॉटर्स। Once there was a king. He had three daughters. The first two daughters were very cunning. They used to flatter their father all the time. वो अपने पिता की झूठी तारीफ करती रहती थी. On the other hand, the third one was very honest and sincere. राजा की दोनों बड़ी बेटियां बहुत चालाक और चापलूस थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी बहुत ईमानदार और समझदार थी, इसीलिए राजा उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। When the king grew old, उसने सोचा कि वह अपना किंगडम डिवाइड कर दे। सो वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज थ्री डॉटर्स टू द कोर्ट। फर्स्ट ही कॉल्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर एंड सेड, तुम मेरी सबसे बड़ी बेटी हो। आई नो यू लव मी, बट आई वॉन्ट टू नो कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। द एल्डेस्ट डॉटर रिप्लाइड, My dear father and king, I love you more than anything else in the world. इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ। The king was very pleased with her and he said, My dear daughter, जैसा कि तुम देख रही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, You will look after me in my old age. इसीलिए मैं अपने राज्य का 1/3 तुमको देता हूँ। And he gave 1/3 of his kingdom to her. Now the king called his second daughter and said, तुमने देखा तुम्हारी बड़ी बहन मुझसे कितना प्यार करती है। Now I want to know how much you love me. She said, Oh father, I love you more than my life. मैं आपको अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। The king was very happy and gave her 1/3 of his kingdom. And he said to his courtiers, मैं कितना लकी हूँ, मेरी डॉटर्स मुझसे कितना प्यार करती हैं। Finally, the king called his youngest daughter. और राजा को पूरा भरोसा था कि उनकी सबसे छोटी बेटी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती होगी। He asked her, How much do you love me, my dearest child? तो बच्चों, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि राजा की सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और समझदार थी। She spoke the truth. She said, My lord, I love you as much as any daughter loves her father. उसने कहा, मैं आपको अपने पिता के जैसा प्यार करती हूँ, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। The king was shocked by her words. He became furious. He did not give her anything at all. और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने अपना पूरा किंगडम अपनी दोनों बड़ी बेटियों में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया।
राजा ने अपने पास केवल 100 नाइट्स, 100 सैनिक और राजा का टाइटल ही रखा। When some days had passed, राजा ने सोचा, चलो अपनी eldest daughter से मिलाते हैं। But when the cruel and greedy daughter saw her father with 100 knights, she said, Father, आपके लिए तो 50 knights ही काफी हैं। मैं इतने knights को अपने घर में नहीं रख सकती। They make so much noise, और इनका खर्च भी बहुत है। The king did not expect such a reply. वह दुख और गुस्से से पागल हो गया और उसने उसी समय अपनी बड़ी बेटी का घर छोड़ दिया। Now the king thought, चलो अपनी दूसरी बेटी के पास चलता हूँ। Surely she will welcome us and look after us. पर बच्चों, बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को पहले से ही सारी बातें बता दी थी और उसको अच्छे से समझा दिया था। तो जब राजा उसके घर पहुंचा तो दूसरी बेटी ने भी राजा को अपने घर में नहीं रखा। दुखी होकर वह रोता रहा, but she ignored her father. It was raining heavily, और उस तेज बारिश में भी the king left her home. Time passed. धीरे धीरे राजा बीमार रहने लगा। और एक एक करके उसके नाइट्स, उसके सैनिकों ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि राजा अब उनको पहले जैसी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा था। On the other hand, राजा की सबसे छोटी बेटी ने एक दूसरे बहुत बड़े किंगडम के राजा से शादी कर ली थी। One day, a faithful knight of the king reached his court. उसको देखते ही क्वीन ने पूछा, How is my father? नाइट ने क्वीन को सारी बात बताई। The queen said to the king, My lord, I beg you to do something about it. तब राजा ने क्वीन को समझाते हुए कहा, Don't worry, my dear, I'll send a big army with this nobleman to fight for your father. क्वीन ने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, माय लॉर्ड, मैं भी उस आर्मी के साथ जाऊंगी। मैं अपने पिता की सेवा करके उन्हें फिर से हेल्दी करना चाहती हूँ। द क्वीन वेंट विद द आर्मी। एंड The queen's army defeated the armies of her elder sisters और अपने फादर को उनका किंगडम वापस दिला दिया। वह अपने फादर को अपने घर ले आई। She took care of her father to recover from distress. At last, the king realized that only his youngest daughter Loved him truly. उसकी सबसे छोटी बेटी का प्यार ही सच्चा प्यार था। So children, what do we learn from this story? हमने सीखा कि हमें किसी पर blind faith नहीं करना चाहिए। कोई भी decision सोच समझ कर ही लेना चाहिए। Because a person's actions
speak louder than words.